क्योंकि ज़िंदगी जो है ना रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती है. मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखी. जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, एक तो चलते फिरते, शायद उनकी वो दुआ थी ना कि अल्लाह चलते फिरते ले जाए, तो शबे मेराज थी, मेरी उनसे बात हुई फजर के वक्त. मैंने कब सो जाएं, वो टिपिकल फौजी स्टाइल में सुबह सुबह उठ जाते थे फिर निकल जाते थे, तो मैंने कब सो जाएं थोड़ी देर के लिए. असर के वक्त मुझे फ़ोन आ रहा है, ही इज़ नॉट देयर एनी मोर. मतलब क्या, मेरा पहला रिएक्शन था ना वो गुस्से का था, जो कि बहुत बुरी बात है. लेकिन मुझे ये था कि इस तरह तो नहीं होता है, ये तो कोई तरीका नहीं है. लेकिन अब 20 साल पहले हम भी उम्र में छोटे थे, इतनी अकल नहीं थी. लेकिन मैंने उस चीज़ से ये सीखा कि एक शख्स जो जिसकी डिग्निटी उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी ना, तो कभी बिस्तर पे नहीं पड़ा, और एक दिन के लिए भी उन्होंने वो मोहताजी नहीं देखी. सो मुझे याद है कि मैं, वो रात बहुत मुश्किल थी, अब्बू लाहौर में थे, मैं कराची में थी, और वो उस रात पता नहीं क्यों सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, तो मैं सुबह जा पाई. और जब मैं पहुंची हूँ उसके बाद, आई गॉट बिजी विद थिंग्स, तो मुझे शाम को अम्मी ने कहा कि तुमने खाना खाया है? एंड आई सेड नहीं. फिर से मैंने भी नहीं खाया, अपने लिए भी ले कर लो, मेरे लिए भी ले आओ. तो आई थिंक वो आप उस वक्त उस फ्रेम जोन में नहीं होते ना कि खाना मतलब अम्मी क्या बोल रही हैं. तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर. मुझे कहने लगी, मेरी एक बात याद रखना, जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है वो जीनी पड़ती है, और उसको शुक्र के साथ जीना सीखो. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.